अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं हूँ मसानी और आप देख रहे हैं मसानी ऑफिशियल। और हम जा रहे हैं आज पेशावर मार्केट में, वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना है तो वो ले आएंगे। तो साथ में मैंने कहा व्लॉग भी बना लेंगे, तो चलते हैं मार्केट में, आपको दिखाएँगे पेशावर की मार्केट और जो सामान वगैरह लेना है वो भी आपसे शेयर करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अभी हम फार्म से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं पेशावर के लिए और मेरे साथ हैं दाऊद भाई, जो मार्केट में हम जाएंगे वहाँ से सामान वगैरह जो भी खरीदेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो अभी हम फार्म से निकले हैं, रास्ते में हमने जाना रशा कहीं से, मोटरवे पे जाएंगे ना। हाँ तो चलते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अभी हम बारा पांडा से निकलने वाले हैं, यहाँ से हम चलेंगे मेन रोड पर जो मरदान से नौशहरा को जाता है, तो हम जाएंगे नौशहरा की तरफ रशा कहीं पे, मर्दान की तरफ। सॉरी, हम जाएंगे मर्दान की तरफ। ये मेन रोड आ गया है मर्दान से नौशहरा का, रिज रोड, हम इसके ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम सीधा रशकई और रशकई से मोटरवे पे सीधा पेशावर डालेंगे। फ्यूल डालना है, अभी फ्यूल डलवा लेते हैं। द सेमी पंप अभी हम फ्यूल डलवाते हैं, यहाँ से फ्यूल डलवा कर फिर हम रशा कहीं के लिए निकलेंगे। फ्यूल वगैरह जैसे हम डलवाया वहाँ से निकले हैं, तो अभी शेरनकोट पहुँच गए। यहाँ पे क्लॉथ मार्केट भी है, बहुत बड़ी मशहूर कपड़े की, किसी दिन आपको उसका विजिट कराएंगे, चेक करवाएंगे, कुछ कपड़े वगैरह लेंगे अपने लिए और आपको मार्केट चेक करवाएंगे। तो अभी यहाँ से हम सीधा निकलेंगे रशा कहीं से पेशावर के लिए। अभी ये इसका ये जगह जो है यहाँ पे, इसका शेरनकोट नाम है, शेरनकोट। और बाकी ये हम जाएंगे अभी सीधा चौक है, अगले चौक, ये इसी चौक से हम चलते हैं, यहाँ से हम सीधा पेशावर के लिए मोटरवे पे। पेशावर के लिए तो अभी मोटरवे के ऊपर हम चढ़ जाएंगे सीधा पेशावर। ये हमारा पेशावर, इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे, टोल प्लाजा से पर्ची हमने ले ली है। सीट बेल्ट वगैरह दाऊद भाई पहन लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम पेशावर पहुंच जाएंगे। वहां से फिर आपको मार्केट का विजिट कराएंगे, मार्केट दिखाएंगे और कुछ जो चीज़ें हमने लेनी वो भी ले लेंगे। मिलते हैं अभी हम आगे पेशावर में ही, यहाँ कुछ रास्ते में कुछ हुआ तो वो भी हम शूट कर लेंगे। ये तो फिर सीधा पेशावर। 60 रुपये यहाँ से, 60 रुपये कहीं से पेशावर तक 60 रुपये। प्लाजा से क्रॉस करके सीधा पेशावर में एंटर हो चुके हैं। फाइनली दोस्तों पेशावर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से अभी हम कुछ खाने का प्रबंध करेंगे। खाएंगे ना, ये खाना खाएंगे उसके बाद सामान लेंगे। तो खाना खाएंगे उसके बाद फिर आगे मार्केट में जाएंगे, कुछ चीज़ें लेंगे, क्योंकि हम फार्म से निकले हैं तो वहाँ से हमने खाना नहीं खाया था, तो हम सीधा निकल आए थे। खाने का टाइम था लेकिन हमें थोड़ा गलती थी तो इसलिए हम निकल चुके थे वहाँ से। तो यहाँ से गए थे, खाना खाएंगे उसके बाद फिर जो भी चीज़ें लेनी है मार्केट में वो खरीदेंगे लेंगे। पेशावर मोटरवे से जैसे हम उतर कर अगर पेशावर के अंदर एंटर होते हैं तो मेट्रो के साथ साथ जो रिंग रोड है, रिंग रोड, उसके ऊपर हम ये जाएंगे सीधा शुगा में। तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ये मेट्रो स्टेशन है और बाकी ये रिंग रोड आगे सीधा जा रहा है सदर की तरफ, पेशावर सदर। तो हम जाएंगे शुगा में, शुगा मार्केट।
आगे हम दिखाएंगे आपको जाकर मार्केट के अंदर क्या कुछ है। हाँ तो गाइस हम पहुंच चुके हैं शुगर बाजार। अब यहाँ से हम शायद हमें गाड़ी छोड़नी पड़े कहीं के ऊपर, तो फिर वहाँ से हम आगे जो कुछ भी सामान वगैरह लेंगे तो वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये है शुगर बाजार का कुछ इस तरह का माहौल, ये आप नजर आ रहा होगा यहाँ से। हम दोस्त भाई क्या नाम है इसका होटल का? लजीजा चावल पेशावर शुभा वाले। लजीजा चावल पेशावर शुभा वाले स्पेशल, लजीजा चावल पेशावर शुभा वाले स्पेशल। कभी आओ चेक करो और खाओ, हम तो आज खा कर चेक करेंगे कैसे वाकई लजीजा है या बस ऐसे ही नाम है। तो ये सबसे पहले तो हमें ये ऑर्डर मिला के देखें खत्म हो चुकी है, आप 10 मिनट इंतजार करें तो आपके लिए कोई नई देख खुलेगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये जी गाइस हमारी स्पेशल खुराक आ चुकी है चावल, अभी ये खाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कैसे है, स्पेशल है या स्पेशल ही है। शुरू करें दाऊद भाई। स्पेशल है हाँ। तो दोस्तों हम पेशावर के लिए गए थे सामान लेने के लिए, लेकिन वो पेशावर से जो सामान हम लेने गए थे वो तो मिला नहीं है, तो अभी वापस आ गए। हम यहाँ से 1 बजे निकले थे, अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं, तो सामान तो हमें मिला नहीं है। अभी शायद वो सामान लेने के लिए दोबारा फिर लाहौर ही जाना पड़े। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।